हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में ठीक होगे और बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ओके, सो मेरा आज का जो लुक है वो एकदम बिल्कुल सा सिंपल सा है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं लगाया है। बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप कंटेंट पढ़ के कैप्शन पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। आज का वीडियो है वो है कि जो ऑयल मैंने बनाई हूँ वो मैं अपने सर में कैसे, अपने बालों में कैसे लगाती हूँ, कैसे यूज करती हूँ, और तेल लगाने के बाद, ऑयल लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो, आज का जो मेरा ये लुक है ये एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट मेकअप वीडियो में बताया था कि जब आपकी आंखें सुंदर दिख रही हो तो लिप्स का कलर कम होना चाहिए, और आज मैंने अपनी आंखों के ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं किया, जस्ट सिंपल सा आई शेडो लगाया, ना मैंने काजल लगाया, ना मैंने मस्कारा लगाया, ना ही मैंने आईलाइनर लगाया। सो, आज मेरी आईज एकदम सिंपल दिख रही है तो मैंने लिपस्टिक रेड कलर की लगाई है। सो, आज के वीडियो में मैं कैसी लग रही हूँ ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम और मौज ऐप पे दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने हेयर केयर रूटीन में मैंने पहले ही बता दिया, जो सबसे पहला मेरा हेयर केयर रूटीन था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि मैं अपना ऑयल कैसे बनाती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देखें, बिकॉज वो यूजफुल वीडियो है। क्या पता वो वीडियो आपके काफी ज्यादा यूजफुल हो, वो वैसा ऑयल बनाने के बाद, वही ऑयल यूज करने के बाद शायद आपके हेयरफॉल भी कम हो जाए जैसे मेरे हुए है, मेरे लिटरली कम हुए हैं, इसलिए मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। वरना कोई खास चीज, कोई खास बात नहीं है कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और इतना सारा तेल मैं बनाऊं और ऐसे ही बस उसको रख दूं। मैं उससे बनाई हूं, मैं उसे लगाती हूं, और ये मैंने पहली बार नहीं बनाया है, मैं अक्टूबर से बना रही हूं। अक्टूबर में बनाया था तो 3 महीने चला था, फिर उसके बाद मैंने बनाया तो तब मेरे पास पैराशूट का छोटा वाला बॉटल था, 250 ml था, तो थोड़ा ऑयल बना था, वो अराउंड 1.5 मंथ चला था। यस, तो अब मैंने दोबारा बनाई हूं। मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें बताए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं सिर्फ आंवला को छोड़ के, बिकॉज आंवला मुझे मिला नहीं था। ओके, सो, आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। सो, चलिए आज का हमारा जो वीडियो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, मैंने अपने लास्ट, मैंने एक वीडियो में अपने ग्रे हेयर व्हाइट हेयर्स के बारे में बताया था, अपने नहीं नॉर्मली सबके होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई साहब, हमने कोई पाप नहीं किया है, वाइट हेयर है, हो गए है, कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है भाई, चिल करो, हो गया तो हो गया, बस करो, शांति रखो। और अगर कोई बोलता है ना वाइट हो गए, वाइट हो गए, वाइट हो गए, ठीक है हो गए तो हो गए, क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, वो जैसे वैसे रहने दो। और अगर ज्यादा वाइट है जैसे कि मेरे है अभी, यहाँ पे आपको आगे फ्रंट लाइन जो है यहाँ आपको थोड़े थोड़े शायद लाइट की वजह से दिख रहे होंगे, मैंने एक बार कलर किया है स्टार्टिंग ऑफ द जून में, ये अभी तक चल रहा है, जब तक चलेगा मैं चलाऊंगी, नहीं चलेगा तो मैं दोबारा लगा लूंगी। और मैं ऐसे ज्यादा लगाती नहीं हूं, मैं अभी ये वीडियो शूट करना है इसलिए मैंने लगाया है, वरना मैं फेस्टिवल्स पे या कोई फंक्शन होता है तब, या तो फिर अगर मेरा बर्थडे होता है तब, मैं सिर्फ तभी लगाती हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं लगाती, मेरे बाल वैसे ही व्हाइट के व्हाइट रहते हैं, सब मुझे बोलते हैं, सब मुझे टोकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी हूं वैसी ठीक हूं, कोई ज्यादा तामझाम करने का कोई शौक नहीं है मुझे। ओके, सो, चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगी। सो, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑयल घर पे बनाई हूं, ओके, ये ऑयल मैं कैसे यूज करती हूँ, ये टाइट हो गया है, ये ऑयल मैं कैसे यूज करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, और ऑयल लगाने के बाद मैं एक्चुअली करती क्या हूँ। ओके, सो, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैं बॉटल खोलूं डब। ओके, सो, हमारा जार, हमारा कंटेनर ओपन हो गया है। ये ऑयल देख नहीं सकते आप शायद, अगर ज्यादा टेढ़ा करूंगी ना, हाँ दिखा तो ऑयल गिरने का डर है। ओके, ये है ऑयल, यहां तक था, अभी यहां तक है, इतना हो गया। ओके, सो, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑयल सिर्फ इससे लगाती हूँ, आगे के जो मेरे फिंगर टिप्स है ना, मैं सिर्फ इससे लगाती हूँ, यहाँ जो अपने स्कैल्प पे, अपने रूट्स पे, अपने जड़ों पे तेल लगाती हूँ, सिर्फ इससे मैं बिल्कुल
मैं आपको बिल्कुल इस चीज के लिए मना करूंगी कि अपने सर में नाखून लगाना बंद करिए। नाखून से ना ऑयलिंग होती है, नाखून से ना शैम्पू होते। नाखून अपने बालों में कब यूज करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बाल को कोम्ब नहीं किया है, मैं पूरे टाइम जूड़ा बना के रखती हूँ, तो बस मैंने बाल को खोल लिए है और बस ऐसे थोड़ा खींच के मैंने उसको छुट्टा कर लिया है। कंघी अभी तक मैंने नहीं लगाई है बिकॉज हमें अभी बाद में ऑयल लगाने के बाद कोम्ब करना ही है। ओके, सो ये मैंने मांग निकाल ली है अपनी, ये मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए अब मैं ऐसे करके लगाऊंगी यूं। ओके, ये इस तरीके से लगाइए आप लोग भी। मैं नाखून बिल्कुल नहीं लगा रही हूं, ये मेरा आगे का जो फिंगर टिप है मैं वही लगा रही हूं। इस तरीके से लगाइए आप ऑयल को। ओके, फिर मैं अपनी उंगलियों से ही मांग निकाल निकाल के पूरे सर में लगाती हूं ऑयल। मैं पूरे हाथ में भी तेल नहीं लगाती, पूरे हाथ में मैं जब नीचे बालों में लगाना होता है तभी लगाती हूँ, ऊपर रूट्स में स्कैल्प में मैं डायरेक्ट इसी से ऑयलिंग करती हूँ। आपने मेरे वीडियोस अगर आगे वाले नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा कि मैंने ऑयल कैसे बनाया है, मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, कौन सा कोम्ब यूज करती हूँ। एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या पता वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट निकल जाए। वैसे आजकल के डेली रूटीन में हमारे पास नहीं सबके पास इतना बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि आज मैंने अपने बालों में दही लगा लिया, कल मैंने अपने बालों में फेनिग्रिक सीड को पीस करके लगा लिया, परसों मैंने अपने बाल में फ्लेक्स सीड को पीस करके लगा लिया, उसके अगले दिन मैंने अपने सर में राइस वाटर और राइस का पैक लगा लिया। भाई साहब, इतनी फुर्सत होती तो क्या बात होती, लेकिन फुर्सत ही तो नहीं है। और रोज रोज बिल्कुल हेयर वॉश मत करिए, रोज आप अपने सर में कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद आप उसे वॉश करते हैं, अपने बालों को वॉश करते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। रोज बाल वॉश मत करिए, जितने आप बालों को वॉश करेंगे वो उतना ज्यादा ब्रेक होगा, आपके ब्रेकआउट हो जाएंगे सारे के सारे हेयर। रोज कुछ ट्राई करोगे रोज हेयर फॉल होगे। मैं वेनेसडे को एक बार हेयर वॉश करती हूँ और संडे, अब मैंने सैटरडे को हेयर ऑयल लगा रही हूं तो अब मैं संडे को करूंगी। ओके, सैटरडे को भी मैं इवनिंग में लगा रही हूँ बिकॉज मॉर्निंग में जॉब पे थी, तो अभी मैं इवनिंग में लगा रही हूं। और ट्राई करिए कि आप अपने सर में हेयर्स को ऑयल को एटलीस्ट 12 आवर्स रखे, ठीक है, कम से कम 12 आवर्स रखिए अपने बाल में तेलों को। ऐसे वो जो होशियार लोगों ने, पता नहीं कौन होशियार है, काफी होशियार लोग है जिन्होंने कहा है ना कि तेल लगाने से बाल टूटते हैं, एक घंटे से ज्यादा सर में तेल नहीं होना चाहिए, मत सुनिए। मैं बिल्कुल आपको कहूंगी मत सुनिए उस चीज को। बचपन में हमारी मम्मी तेल लगाती थी, तेल लगाने के बाद उससे अच्छे से चोटी बनाती थी, हम स्कूल जाते थे वो वैसे ही तेल वाले सर के साथ ही जाते थे, कोई हम फैशन करके नहीं जाते थे। ओके, और वो भी चोटी बनाते हुए अगर लंबे बाल होते थे तो उसे ऊपर फोल्ड करती थी। तो चेक करिए अपने बचपन के हेयर्स को और अभी के हेयर्स को, बीच में अगर थोड़ा सा भी आपने कुछ स्टाइल मारा ना अपने बालों के साथ तो हमारा जो बाल है ना वो अपना स्टाइल अपना रंग दिखाने लग जाता है। ये देखिए यहां मैं इस तरीके से लगाती हूँ, यहां मेरे काफी हेयर्स है तो यहां जब ऐसे ऑयल लेती हूं मैं उंगलियों पे ही मिक्स करती हूं, ये ऐसे। ओके, इधर ऐसे, ये हो गया, मैंने स्कैल्प पे आगे की तरफ सारे लगा लिए। अब मैं क्या करूंगी, ऑयल लेके इस तरीके से और फिर नीचे, और ऐसे जोर जोर से नहीं, आराम से, तेल लगाने के टाइम पे, वरना आधे बाल निकल जाने हैं आपके।
अच्छे से अपने हाथों में उसको लेके करिए। और हाँ, आप चाहे तो ऑयल को गर्म कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम पैराशूट ऑयल लेते हैं बॉटल में से, डायरेक्ट निकाल के हम उसे लेते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे गर्म करते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑयल मैंने बनाया है वो ऑलरेडी 15 मिनट उसको मैंने बॉईल किया है, इसलिए मैं दोबारा बिल्कुल इसे बॉईल नहीं करूंगी। हाँ, यही ऑयल है ना, क्या होता है उसमें ठंडियों में जम जाता है। हाँ, तब मैं निकाल के इतना गर्म करती हूँ कि वो लगा सकूँ। और मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना ठंडियों में, सॉरी मैं क्या करती हूँ ना ठंडियों में ऑयल लेती हूँ बाउल में, गर्म करती हूँ ताकि ऑयल पिघल जाए, और ऑयल पिघलने के बाद उसे पूरा ठंडा कर देती हूँ जैसे नॉर्मल ऑयल होते हैं, और फिर मैं उसे लगाती हूँ। मैं अपने सर में गरम तेल नहीं लगाती, तेल को ज़्यादा हमेशा हर बार गरम करके लगाना बंद करिए। ओके, जिनके डैंड्रफ है ना, मेरे भी थे, मतलब काफ़ी थे, काफ़ी लाइक ऐसे कपड़े पे गिरते विरते नहीं थे बट वो बालों में ही रहते थे काफ़ी थे, मैंने उससे भी छुटकारा पाई हूँ। और अपने सर में प्लीज़ लेमन मत लगाइए, लेमन को हम क्या कहते हैं, ऐसे काट के और फिर वो डायरेक्ट घसते मत करिए, बिल्कुल मत करिए, वो सिट्रिक एसिड है। अरे यार, पता नहीं आप लोग कहाँ से देख के क्या क्या करते हो आजकल। ये देखिए, इससे अच्छे से मसाज करिए यूं, अच्छे से अपने सर में 5 मिनट, 5 मिनट से आप ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मैं 5 मिनट करती हूँ, मैं उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करती। ओके, तो ये लग गया है हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ सारे ऑयल। अब यहाँ पे थोड़े मेरे हेयर अभी आना शुरू हुए हैं, पहले काफी ज्यादा चले गए थे। ये देखिए मेरे हाई वाइट हेयर, मुझे कोई शर्म नहीं है दिखाने में, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए यहाँ पे हेयर्स कम हो गए थे, तो मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ ऑयल ले लिया फिंगर्स पे, अब यहाँ पे लगाऊंगी, ज्यादा फैलाइएगा नहीं, यूं जहां आपके बाल कम है ना, ये मेरे जो हेयर है ना ये मेरे ऑयल से ही आए हैं, और भी काफी छोटे हेयर्स है। ओके, और इसे ज्यादा खसना नहीं है, इसे बस यूं लगा के और छोड़ दीजिए इधर, और इधर तो बिल्कुल ही नहीं घसना चाहिए आपको कभी भी, बस ऑयल लगा के यहां पे छोड़ दिया करिए। अब मैंने यहाँ ऑयल लगा ली, रात को सोने के टाइम तक ये पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर यहाँ से बाल खींचते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात में सोने के पहले जब अपने बालों की चोटी करती हूँ तो मैं यहाँ दोबारा से ऑयल लगाती हूँ ताकि ये नरम रहे एरिया, सॉफ्ट रहे, बालों को खींचे ना। ओके, ये हो गया, अब इसमें लगाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, ऑयल ले लिया, मिक्स करिए, ऑयल ले लिया, मिक्स करिए, और फिर अच्छे से इसे यूं लगाइए, ये इस तरीके से अच्छे से लगाइए। ये जरूरी है, इससे भी तेल की जरूरत होती है, खाली अपने ऊपर वाले हेयर्स को नहीं। और आप है ना, जब किसी के लंबे बाल देखते हैं ना तो आप लंबे बाल देखते हैं, उस हेयर की वो कितना हेल्दी हेयर है वो देखना सीखिए। ये देखिए, मैं इधर कभी तेल लगाना नहीं भूलती हूँ, और कभी ऑयल मतलब इधर बिल्कुल भी ऑयल को स्किप मत करिए, ऐसे बीच बीच में हाथ के इधर तो ऑयल रहता ही है, यूं ऐसे लगाइए ताकि सारे बाल में ऑयल अच्छे से पहुंचे, ठीक है। ये मुझे कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़े से और लगाऊंगी, मैं ऑयल अच्छे से लगाती हूँ, बिल्कुल मैं कंजूसी नहीं करती हूँ। ये देखिए, अपने बालों को खुश रखिए। ओके, अपने बालों के साथ ना आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन देखिए, द सीक्रेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें शेयर की है, कुछ टॉपिक शेयर किए हैं, आप उसे चेक करिए एक बार, देखिए
ओके अब मैनिफेस्टेशन क्या करे बालों के साथ, बालों के साथ जैसे कि अभी मैं ऑयल लगा रही हूँ, तो मैं ऑयल को जब अपने हाथ में ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ तो मैं उसे फील कर रही हूँ, और मैं अपने बालों पे जब लगाऊंगी तो मैं अपने मन में बोलूंगी थैंक यू सो मच मेरे हेयर्स को इतना अच्छा और इतना हेल्दी रखने के लिए। मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलूंगी कि आपने मेरे को इतने अच्छे बाल दिए। आपके बाल चाहे जैसे है बट थैंक यू, हर चीज को बोलना सीखिए। ओके ये ऑयल मैंने लगा लिया है, मैं शैम्पू लगाती हूँ, मैं शैम्पू को भी थैंक यू बोलती हूँ, मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल हेयर। मेरे हेयर अच्छे है, लंबे है, इसलिए नहीं, अपने हेयर के साथ पहले काइंड बनिए ना, तब आपका हेयर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक हमें कोई चीज पसंद आने वाली नहीं है, समझिए इस बात को। ये लग गया है मेरा ऑयल, ये देखिए ऑयल ऑयल दिख रहा है ना, पूरा ऑयल मैंने लगा लिया है। थोड़ा सा मैं मसाज दोबारा से कर लूंगी। हो गया ऑयल लग गया। ओके बस कुछ नहीं था ऑयल लगाने में, ये ऑयल मैंने लगा लिया अपने सर में, नीचे थोड़ा सा गिर गया है तो वही उठा के मैं अपने सर में लगा लेती हूँ। ओके हो गया, अब क्या करें, अब हम करेंगे कोम्ब। ओके जो मैंने आपको बताई थी कि मैं प्लास्टिक का कोम्ब सिर्फ जब अपने सर में ऑयलिंग करती हूँ तभी यूज करती हूँ, और वो भी ये मोटा वाला। प्लीज आपके बाल चाहे जितने पतले हैं, जितने भी पतले हैं, लेकिन ऐसे कोम्ब यूज करिए। ये मोटे वाले कोम्ब जिनके बाल घने होते हैं उनके लिए ही सिर्फ नहीं होते, सबके लिए होते हैं, तो ऐसा कोम्ब यूज करिए चाहे आपके हेयर चाहे जितने भी पतले हैं। ओके अब ऑयल तो कर लिया, अब क्या करें, कोम्ब करना है तो कोम्ब क्या करें, डायरेक्ट यहां से ना, कोम्ब हमेशा स्टार्ट होता है यहां से। ये देखिए यहां मैंने मुट्ठी में पकड़ा और फिर आप इससे कोम्ब करेंगे। इससे अच्छे से आप कोम्ब कर लीजिए। अच्छा एक चीज तो बताना भूल गई कि कोम्ब करने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखिए ये इतना बड़ा इलास्टिक रबर बैंड दिख रहा है और ये मोटा वाला है, प्लीज पतला वाला मत लीजिए, अवॉइड करिए उसे। ये मोटा सा रबर है, मैं अपने बालों में इस रबर को लगाऊंगी, बाल को फोल्ड करके और फिर इस पिन को वहां लगा दूंगी। ये पिन ठीक है ब्लैक कलर की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके सो मैंने अपने हेयर्स को कोम्ब कर ली हूँ, मुझे वीडियो बंद करके मुझे मिरर के सामने जाना पड़ा बिकॉज फोन में देख के मैं अपने हेयर्स कोम्ब नहीं कर पा रही थी। ओके सो ये हो गया है और ज्यादा टाइट नहीं पकड़ा है, देखिए यहाँ पे फूला फूला है। अब वो जो रबर मैंने आपको दिखा था रबर बैंड वही मैं लगा रही हूँ अपने सर में। ओके एक सबसे जरूरी बात ये कि जब आप अपने बालों को कोम्ब करते हैं फिर वो ऑयली हेयर्स हो या नॉर्मल हेयर हो, कभी भी फैन ऑन रख के कोम्ब मत करिए, बिकॉज जब आप फैन ऑन रख के करते हैं ना तो बाल जितने आप कोम्ब करते हैं वो उतने ही उलझते जाते हैं और फिर आप छुट्टा करते रहते हैं और वो वहां पे टूटते रहते हैं। ठीक है ये मैंने रबर बैंड लगा ली, हो गया। अब मैं इस तरह से इसे राउंड करूंगी और ऊपर फिर टर्न, दोबारा से टर्न, फिर से टर्न, जितने आपके बाल हो पूरे, और फिर जो पिन मैंने आपको दिखाई थी ये वाला। ओके अब इसे यहां इस तरह से मैं लगा दूंगी और ये जो एक्स्ट्रा बाल है वो इसके अंदर मैं घुसा दूंगी। ये हो गया पिन यहाँ परफेक्ट, ये बाल ऑयली हेयर हमारा डन, बाल सेट हो गए। ठीक है अब क्या करें, रात में सोने के टाइम पे ना डायरेक्ट पिलो पे मत सोइए वरना सारा ऑयल आपके उसमें चले जाएगा। कोई कपड़ा रखिए जो
यूज नहीं होता है वो कपड़ा, अपने पिलो पर रखिए ऑफर्स और ये, वरना आपके सर का सारा तेल पिलो में जाएगा। नेक्स्ट डे आप वापस उसी पिलो पे अपना सर रख के फेस रख के सोने वाले हो, उसमें जो ऑयल रहता है वो बालों पे वापस लगेगा, वो ऑयल आपके फेस पे लगेगा, पिंपल्स आएंगे, फेस खराब होगा। ठीक है, ये हमारा हेयर सेट हो गया है, बिल्कुल से सेट हो गया। कितना हेयर फॉल हुआ वो भी मैं आपको जरूर दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दिखाऊंगी जरूर कि मेरे कितने हेयर फॉल हुए, तो मेरे हेयर फॉल हुए है इतने सारे, मेरे इतने सारे हेयर फॉल हुए। अब आप सोचोगे इतने सारे हेयर फॉल मतलब आधे से ज्यादा बाल निकल गए। जी नहीं, ये बाल मेरे वो है जो मैंने आपको अपने फर्स्ट, हाँ फर्स्ट हेयर केयर रूटीन में मैंने शायद बताई थी, या फिर सेकेंड वाले में याद नहीं आ रहा, मैंने बताई थी कि दशहरे में 2020 में दशहरे के दिन जब मैंने हेयर वॉश किया था, और नेक्स्ट डे दो दिन तीन दिन के बाद जब मैंने दोबारा हेयर वॉश किया था, ये मेरे वो हेयर है जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपना ऑयल, अपना दिमाग, अपना काम खुद करूं और कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने साथ साथ दूसरों की हेल्प कर सकूं। ओके, तो इसीलिए फिर बाद में बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मैंने ये ऑयल बनाई हूँ, यूज कर रही हूँ, मुझे इफेक्ट है। ये है मेरे दशहरे वाले बाल जिसमें मैंने कहा था मेरे शायद आधे से ज्यादा बाल उसी दिन निकल गए थे, और बिल्कुल यही है, ये दशहरे के दिन वाले है, और ये जब सेकेंड डे थर्ड डे जब वॉश की थी ये तब है, ये बहुत ज्यादा थे, ये बहुत ज्यादा थे। मैं इसको फेंकू तो कैसे फेंकू, इतना दिल दुखता है ना, मैं इसे फेंक ही नहीं हूं अभी तक, ये मैंने एक्चुअली घर वाले से छुपा के रखा है। और अभी जो बाल टूटे हैं वो है मेरे ये, वो है मेरे ये देखिए इसमें और इनमें कितना फर्क है। ये मेरे हेयर फॉल अभी वाले है, ये अभी वाले हैं, और ये दशहरे वाले 2020, और तब से मेरे बाल इतने या कभी कभी इससे भी कम टूटते हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए आपको करना क्या है, अपना ब्रेन थोड़ा यूज कर लीजिए, ज्यादा अफवाहों में जाओगे, तेल नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, फलाना नहीं लगाना, टिकना नहीं लगाना, कंडीशनर लगाना, ये करना वो करना। मैं कंडीशनर लगाती ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल कंडीशनर नहीं लगाती हूँ। हाँ कभी साल में एक बार, साल में दो बार, या साल में तीन बार लगा लिया, लगाने वाला, बिल्कुल कंडीशनर लगाती नहीं हूं। मैं हेयर वॉश के बाद लगाती हूँ लिवॉन का पिंक वाला हेयर सीरम, बाल को जब वो नहा के निकलती हूँ गीले रहते हैं, पहले टॉवल से पोंछती हूँ, टॉवल से पोंछने के बाद हाथ में सीरम लेती हूँ, स्प्रेड करती हूँ, और ऐसे करके ऐसे घुसा के नहीं ऐसे सारे बालों में लगाती हूँ, जैसा भी मैं ऑयल लगा रही थी वैसे नीचे लगाती हूँ, यूं लगाती हूँ, बालों को छुट्टा करती हूँ, हाथ से वो पूरा सूखता है, उसके बाद मैं कोम करती हूँ। गीले बालों पे कंघी लगाना बंद करो, कभी भी गलती से भी गीले बालों को कंघी नहीं लगाना, ठीक है। और बस यही था हमारा आज का वीडियो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो आपको क्या करना है, आपको इतने बाल रोज तोड़वाने हैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके, या फिर ये चलेगा आपको। नॉर्मल हेयर फॉल सबको होता है, ये नॉर्मल हेयर फॉल है, ठीक है, इसे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल हेयर फॉल है। और हेयर फॉल हर किसी के होते हैं, एक जन दो जन के नहीं, सबके होते हैं। लेकिन हेयर फॉल की प्रॉब्लम तब ज्यादा होती है कि पुराने बाल टूट रहे हैं और नए बाल आ नहीं रहे हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है, अगर ये लंबे बाल है लंबे बाल टूटेंगे, ये अगर टूट रहा है तो मेरे हेयर्स न्यू आ रहे हैं। ये जो सारे खड़े हैं ना, ये देखिए, हाँ ये जो है ना सारे न्यू हेयर है। हेयर फॉल तब नहीं होता जब बाल टूटते हैं और नए नए आते थे, हेयर फॉल तब होता है जब बाल टूट रहे हो, नए नहीं आ रहे हैं, समझे आप लोग। सो बस यहीं तक था हमारा आज का वीडियो, आपको जरा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा, आप यूज करिए। और हाँ कोई भी तेल कोई भी शैम्पू यूज करे तो 3 मंथ दे उसको, 3 मंथ में ही वो असर दिखाएगा। ये कोई दवा नहीं है कि खाते ही शरीर के अंदर 5-10 मिनट में असर कर देना, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक चीजें जब असर करती है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है, और ये होम लाइक घर का बनाया हुआ है, घरेलू उपाय है तो टाइम लगेगा।
बट मैंने जैसा आपको बताया अगर वैसा करोगे तो ओके। सो वीडियो को लंबा नहीं खींचा है मैंने, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अपने हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है। मेरी ऑयल वाली रेमेडी शेयर करिए उनके साथ, ये ऑयलिंग वाली शेयर करिए उनके साथ, शैम्पू मैं कौन सा यूज करती हूँ शेयर करिए उनके साथ, बाकी फिर उनकी मर्जी उन्हें कौन सा यूज करना है, या फिर बाकी आपकी मर्जी आपको क्या यूज करना है, आपको ये चाहिए या ये चाहिए, ये फिर आपकी मर्जी है। सो बस यही तक था हमारा वीडियो, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम और मौज ऐप पे शॉर्ट वीडियोस के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।